चलिए जी, शुरू करते हैं आरसीसी का आगे का पार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे फ्लेक्जर मेंबर। क्या समझेंगे? फ्लेक्जर मेंबर। देखिए, फ्लेक्जर मेंबर किसे कहते हैं? वह मेंबर जिसमें बेंडिंग होता है, वह मेंबर क्या कहलाता है? फ्लेक्जर मेंबर। जिसमें बेंडिंग होता है उसे क्या कहते हैं हम? फ्लेक्जर मेंबर। फ्लेक्जर मेंबर में कौन कौन आते हैं? बीम और स्लेब। मेन रूप से हमको क्या पढ़ना है? बीम पढ़ना है और स्लेब। ये दोनों मेरे क्या है? फ्लेक्जर मेंबर। यानी इस पे लोड आने पे बीम और स्लेब क्या होता है? बेंड होता है। तो बीम पहले हम क्या पढ़ेंगे? बीम। तो देख लेते हैं टाइप ऑफ बीम, बीम के प्रकार किसके आधार पे देखेंगे? उसमें डाले गए छड़ के आधार पर। डाले गए छड़ के आधार पर बीम कितने प्रकार के होते हैं? डाले गए छड़ के आधार पर बीम दो प्रकार का होता है। पहला मेरा होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, यानी एकल प्रबलित कंक्रीट धरन। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, यानी जब बीम में, बात समझिएगा, जब बीम में छड़ को सिर्फ टेंशन जोन में डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। ये क्या हो गया आपका? न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचे क्या बना है आपका? टेंशन जोन। तो जब छड़ को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। दूसरा मेरा क्या होता है? डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, यानी द्वि प्रबलित कंक्रीट धरन। जब बीम को टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों जोन में डालते हैं, सॉरी बीम को नहीं, जब छड़ को टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। आगे पढ़ने के बाद हम बीम का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। एनालिसिस ऑफ बीम यानी धरन का, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का विश्लेषण। समझेंगे पहले इसमें एक क्या हो गया? बीम का क्रॉस सेक्शन। क्या हो गया? बीम का क्रॉस सेक्शन। समझिए, हम 3D बना रहे हैं। चमक तो नहीं रहा आपका, ठीक है। एक क्या हो गया? बीम का क्रॉस सेक्शन। देखिए, एक क्या हो गया आपका? बीम। एक क्या बना दिया हम? बीम। तो बीम का क्रॉस सेक्शन यानी ए वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं हम? क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट। ये बीम का कौन सा काट है? अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट को हम कहाँ बनाए हैं? यहाँ। बीम में छड़ को कहाँ डालते हैं? यहाँ, एक दो तीन। तो इसमें कहाँ दिखेगा छड़े? यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद देखिए, जब बीम का बेंडिंग होता है, न्यूट्रल एक्सिस पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। जब बीम बेंड होती है तो बीम के ऊपर कंप्रेशन आता है तथा नीचे क्या बनता है आपका? टेंशन बनता है। तथा बीच में एक ऐसी लेयर होती है जहाँ न टेंशन होगा न ही क्या होगा? कंप्रेशन होगा। उस लेयर को ही क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल एक्सिस। जैसे देखिए, इस पर हम लोड डाल दें, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सपोर्ट हो जाएगा। ए बीम कैसा हो जाएगा? इस तरह ए बीम क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा, जिससे ऊपर क्या हो जाएगा आपका? कंप्रेशन। नीचे क्या बन जाता है आपका? टेंशन। ये सब मैं आप लोग पढ़ चुका होंगे। यानी बीम ऊपर से नीचे, यानी कंप्रेशन से क्या बना है? टेंशन। या फिर हम कह सकते हैं टेंशन से धीरे धीरे क्या बन गया है? कंप्रेशन। यानी मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होगा? एकदम ऊपर होगा। मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा? एकदम नीचे होगा। कहने का मतलब, मैक्सिमम टेंशन, उससे कम टेंशन, उससे कम टेंशन, उससे कम टेंशन, टेंशन जीरो। उसके बाद मिनिमम कंप्रेशन, उससे अधिक कंप्रेशन, उससे अधिक कंप्रेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन। यानी जब टेंशन से, जब कंप्रेशन में जहाँ चेंज हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो टेंशन से कंप्रेशन में चेंज हुआ होगा, वहाँ न तो टेंशन होगा न ही क्या होगा? कंप्रेशन। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कैसे जाएगा बीम में? ऐसे जाएगा। यही न्यूट्रल एक्सिस यहाँ बन जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन जो, तथा नीचे क्या होता है आपका? टेंशन जो।
न्यूट्रल एक्सिस समझ गए आप। और समझिएगा टोटल डेप्थ, एक कैपिटल डी क्या है आपका, टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ किसे कहते हैं, कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं टोटल डेप्थ। धरण के ऊपरी सिरे से धरण के निचले सिरे तक की गहराई को क्या कहते हैं हम, टोटल डेप्थ। दूसरा आता है मेरा इफेक्टिव डेप्थ, क्या आता है, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। समझिएगा धरण के ऊपरी सिरे से इस्पात के यानी स्टील के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा आपका, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, माइनस क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव कवर। अब इफेक्टिव कवर क्या होता है समझिएगा, धरण के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। छड़ के निचला सिरे से धरण के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव कवर। उसी में कहता है मेरा क्लियर कवर, शुद्ध आवरण, क्या है मेरा, क्लियर कवर। समझिएगा धरण के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं, क्लियर कवर। छड़ के निचले सिरे से छड़ के निचले धरण के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं, क्लियर कवर। धरण के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। उसके बाद आता है मेरा एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो न्यूट्रल एक्सिस के एरिया, जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का एरिया टेंसाइल जोन में है, टेंसाइल जोन में जितना एरिया का हम रेनफोर्समेंट डाले रहते हैं उसे कहते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। जितना आपको समझ आ गया होगा, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। समझिएगा अब आपको बीम का हर एक डिनोशन समझ आना चाहिए। एक क्या हो गया, बीम की चौड़ाई। धरण के ऊपरी सिरे से धरण के निचले सिरे तक की गहराई को क्या कहते हैं, कुल गहराई। एक क्या हो गई, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। धरण के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। धरण के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को इफेक्टिव कवर कहते हैं। और समझिएगा एक क्या हो गया, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। एक क्या हो गया आपका, न्यूट्रल एक्सिस। क्या मिल गया आपका, न्यूट्रल एक्सिस। समझिएगा हम क्या जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस पे प्रतिबल और विकृति कितना होता है, शून्य होता है। तथा जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे विकृति का मान बढ़ता जाता है। तथा सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है कंक्रीट में विकृति। उसी अनुसार जैसे जैसे हम नीचे आएंगे विकृति का मान बढ़ता जाएगा तथा मैक्सिमम कहाँ होगा, नीचे होगा। लेकिन हम एजम्पशन ये भी जानते हैं कि नीचे का पूरा टेंशन का लोड कौन लेता है, छड़ लेता है। इसलिए हम कोई भी एनालिसिस कहाँ तक करेंगे, छड़ के केंद्र तक। कोई भी एनालिसिस को हम कहाँ करेंगे, छड़ के केंद्र तक। क्योंकि पूरे छड़ों को, पूरे टेंशन फोर्स को कौन लेता है मेरा, छड़ लेता है। तथा कंप्रेशन फोर्स को इतना पूरा कंक्रीट ले रहा है, कंप्रेशन फोर्स को कौन ले रहा है, ये पूरा कंक्रीट ले रहा है। जबकि टेंशन फोर्स को कौन ले रहा है आपका, टेंसाइल रेनफोर्समेंट ले रहा है। डायरेक्ट किस पर कौन ले रहा है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। और समझिएगा न्यूट्रल एक्सिस पर प्रतिबल विकृति जीरो, ऊपर कितना हो जाएगा, स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की विकृति। नीचे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन ऑफ स्टील, इस्पात की विकृति। यानी स्ट्रेन डायग्राम कैसा मिलेगा, त्रिभुजाकार। स्ट्रेन डायग्राम कैसा मिलेगा, त्रिभुजाकार। समझिए एजम्पशन यानी मूल संकल्पना पहला क्या कहता है, यदि कोई धरण का अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल होगी। अर्थात उसके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होगी। यानी जैसे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर दूरी बढ़ेगा, जैसे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे दूरी बढ़ेगा, विकृति का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। इसके अनुसार भी क्या मिलेगा मेरा, स्ट्रेन डायग्राम ट्रायंगल मिलेगा। अगला टॉपिक मेरा है स्ट्रेस डायग्राम, समझिएगा। हम जानते हैं हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, विकृति का। हुक का नियम कहता है प्रतिबल किसके समानुपाती होगा, विकृति का। यानी जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ा है कंक्रीट में, वैसे वैसे विकृति का मान भी बढ़ गया है।
सिग्मा सी बी, क्या हो जाएगा आपका सिग्मा सी बी। कैसे हुआ, जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ा है, जैसे जैसे विकृति का मान बढ़ा है वैसे वैसे प्रतिबल का मान बढ़ गया, किस नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार। फिर एजम्पशन में हम जानते हैं कि नीचे का पूरा टेंसाइल लोड कौन लेता है, मेरा स्टील लेता है, पूरा टेंसाइल लोड डायरेक्ट कहाँ काम करेगा, स्टील पे, यानी सिग्मा एस टी, क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एस टी। अब समझिए सिग्मा सी बी का डिनोशन समझिए, सिग्मा सी बी का पूर्ण नाम है आपका सिग्मा सी बी सी, सी मतलब कंप्रेशन, बी मतलब बेंडिंग, सी मतलब कंक्रीट, यानी कंक्रीट में बेंडिंग के कारण संपीडन प्रतिबल, कंक्रीट में नमन के कारण संपीडन प्रतिबल। नीचे क्या है सिग्मा एस टी, यस मतलब स्टील, टी मतलब टेंशन, यानी स्टील में इस्पात में नमन के कारण तनन प्रतिबल, क्या होता है सिग्मा एस टी। आप स्ट्रेस स्ट्रेन, एक कौन सा डायग्राम हो जाएगा आपका स्ट्रेस डायग्राम, क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस डायग्राम। आई होप आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ चुके। अब हमको समझना है न्यूट्रल एक्सिस, अब देखिएगा क्या हमको निकाल, न्यूट्रल एक्सिस समझ चुके हैं हम, देखेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अर्थात न्यूट्रल एक्सिस की गहराई। धरण के ऊपरी सिरे से न्यूट्रल एक्स, धरण के ऊपरी सिरे से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। धरण के ऊपरी सिरे से उदासीन अक्ष तक की दूरी को क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इतना बचा भाग कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है स्मॉल डी, इतना हो गया एक्स, तो एक कितना बचा डी माइनस एक्स। ये आपका कौन सा डायग्राम याद रखेगा, स्ट्रेन डायग्राम। अब न्यूट्रल एक्सिस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पहला मेरा होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी क्रांतिक उदासीन अक्ष। जब उदासीन अक्ष को हम बीम में उत्पन्न कार्यकारी प्रतिफल के आधार पर ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब बीम को उस जब न्यूट्रल एक्सिस को बीम में उत्पन्न कार्यकारी प्रतिफल के आधार पर ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। समझिएगा स्ट्रेन डायग्राम समझिएगा, ईसी ईसी किसके समानुपाती होगा यक्ष के, होगा ईसी किसके समानुपाती होगा यक्ष के, ई एस किसके समानुपाती होगा डी माइनस यक्ष के, समीकरण दो। यानी कंक्रीट के सबसे ऊपरी सिरे में विकृति किसके समानुपाती होगा यक्ष के, तथा इस्पात में विकृति किसके समानुपाती होगा डी माइनस एक्स, न्यूट्रल एक्सिस के दूरी के समानुपाती होता है। अब क्या है एक में हम भाग दे रहे हैं दो से, तो क्या हो जाएगा ई सी अपान ई एस इक्वल टू यक्स डी माइनस एक्स, समीकरण तीन। अब फिर आप समझिएगा हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात किसे कहते हैं, यंग मापांक। तो फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा ई सी इजकल टू सिग्मा सी बी अपान ई सी, इसको रखेंगे फुट इन थर्ड में, तथा ई एस इजकल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी अपान ई एस, इसको रखेंगे फुट इन थर्ड में। और समझिएगा इसमें रखिए तो क्या मिल जाएगा आपको, सिग्मा सी बी अपान ई सी, सिग्मा देखिए सिग्मा सी बी अपान ई सी, इसका क्या हो जाएगा ये स्टील के लिए है, ये किसके लिए है स्टील के लिए, सिग्मा एस टी अपान ई एस इजकल टू यक्स डी माइनस यक्स। अब देखिए इसको हम ला कर इधर लिख रहे हैं, यहाँ देखते हैं सिग्मा सी बी अपान, देखिएगा सिग्मा सी बी अपान ई सी इजकल टू ई एस अपान सिग्मा एस टी यक्स डी माइनस एक्स। समझिए एक ई एस क्या हो जाएगा एकदम ऊपर चला जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं मापांक अनुपात, सिग्मा सी बी अपान सिग्मा एस टी इंटू क्या हो जाएगा यम यक्स डी माइनस यक्स, जहाँ यम क्या है मापांक अनुपात, स्टील के यंग मापांक तथा कंक्रीट के यंग मापांक का अनुपात क्या कहलाता है यंग मापांक। अब क्रिया गुणा कर दीजिए, देखिए यम सिग्मा सी बी डी, यम सिग्मा सी बी डी माइनस यम सिग्मा सी बी यक्स इक्वल टू सिग्मा एस टी यक्स, इसको उधर ले जाइए यम सिग्मा सी बी डी इजकल टू सिग्मा एस टी यक्स प्लस।
हाँ जी देखिए, यहाँ वीडियो कट गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में। देखिए इसके आगे क्या होगा, आपका क्रिया पूरा करना था, क्या हो जाएगा, यम सिग्मा से वी डी माइनस यम सिग्मा से वी एक्स इक्वल टू सिग्मा एस टी एक्स। अब इसको उधर ले जाएंगे, यम सिग्मा से वी डी इक्वल टू सिग्मा एस टी एक्स प्लस यम सिग्मा से वी एक्स। इसमें से एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, डी इक्वल टू एक्स यम सिग्मा से वी प्लस सिग्मा एस टी। यही क्या है मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यम सिग्मा सी वी डी अपान यम सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा एस टी। देखिए इसमें क्या आ रहा है, सिग्मा सी वी धरण में नमन के कारण संपीडन प्रतिभा, सिग्मा एस टी धरण में नमन के कारण तरण प्रतिभा। ये क्या है क्रिटिकल, यानी मतलब क्रिटिकल अर्थात धरण में उत्पन्न कार्यरत प्रतिबलों के आधार पर हम न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं, उसे कहते हैं।